हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। मैं मानसी राजपूत। मैं सनी राजपूत। और मैं रूप राजपूत। आज का ब्लॉग है क्यू एंड ए ब्लॉग। अब ये बताएंगे आगे। मैं क्यों बताऊँ? बताओ। एक्चुअल में क्या है गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो ब्लॉग ऐसा है कि आप लोग ना क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हो कमेंट में। तो कमेंट में कभी कभार क्या होता है कि एक क्वेश्चन 50-50 लोग रिपीट कर देते हैं, तो उसके लिए हम सबको रिप्लाई वहां तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए हमने एक वीडियो ही बना दी कि अपनी लाइफ के बारे में, हमारी लाइफ के बारे में जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हो इंस्टा पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो उनके सवालों के जवाब दे दें। तो जो उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन यही है कि आपकी फर्स्ट वाइफ कौन है? मैं हूँ। तो फर्स्ट वाइफ है मेरी रूप, ठीक है। 2017 में 2017 में मेरी रूप से शादी हुई थी और रूप मेरी फर्स्ट वाइफ है। एंड 2022 में मेरी शादी हुई है मानसी के साथ, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि बेबी किसका है और बेबी की कितने साल का है? हाँ। कितने साल का हो गया? तो बेबी का हमने लास्ट ब्लॉग भी बनाया था उसके बर्थडे का, जब बेबी 3 साल का हमारा हुआ था फेब में। तो बेबी हमारा 3 साल का, अब 1-2 महीने ऊपर हो गए हैं। और मम्मा वैसे ही जैसे फर्स्ट वाइफ है रूप है, तो उन रूप ने जन्म दिया। लेकिन इंस्टाग्राम पे हम लाइव हुए थे, तो वहाँ पे आराध्या को पूछा था किसी ने कि आपकी हमारे साथ लाइव में, आप इंस्टाग्राम पे आओ, वहाँ पे हम लाइव लेते हैं लोगों को। तो हमारे साथ लाइव में कोई आया था, तो उसने भी बोला था कि आपकी मम्मा कौन है। तो उसने, आराध्या ने बोला था मेरी दोनों ही मम्मा है, तो दोनों ही मम्मा है, लेकिन जन्म रूप ने दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आप लोगों पे रोस्ट हो रही हैं, उस पे आप लोग क्या कहोगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि गाइस वो उनका काम है, हमारा काम है वीडियोस बनाना, आपको एंटरटेनमेंट करना। वो उनका काम है, वो रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने करना है। उनका वीडियो बनाने का तरीका वो है और हमारा वीडियो बनाने का तरीका है आपको बस हंसाना। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम किसी को भी रोक नहीं सकते जो रोस्ट बना रहे हैं। उनका वो बेचारों का काम है, वो करेंगे। पता क्या चीज है, जो रोस्टिंग है, रोस्टिंग में उनका चैनल ही है रोस्टिंग यूट्यूब चैनल, तो उन्होंने रोस्ट करना। अगर वो रोस्ट नहीं करेंगे, अब चैनल रोस्ट का है तो फिर वो क्या करेंगे, ठीक है। अगर वो रोस्ट करेंगे, हम रिप्लाई करेंगे, तो उनका तो काम चल पड़ा, क्योंकि वो चीज़ तो चाहते हैं, उनका टॉपिक ही यही है रोस्ट करना, रिप्लाई करना, रोस्ट करना, रिप्लाई करना। लेकिन हमारा वो नहीं है। मैंने एक रिप्लाई कर दिया, बट ठीक है, इन फ्यूचर अगर कोई हम पे रोस्ट करता है, हम उसको केयर नहीं करते, परवाह नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर हमारा मन हुआ किसी को रिप्लाई करने के, चलिए इसे बहुत बता देते हैं, तो उसको हम कर भी दिया करेंगे, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम एक ही बंदे पे नहीं बैठे रहेंगे। और अगर बात है रोस्ट की, बार बार लोग कर रहे हैं, तो एक बात बोल दूं, 24,000 और 24 लाख बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ कि 24,000 वाले बंदे के साथ 24 लाख वाला बार बार भिड़ने की कोशिश कर रहा है। चलो, मतलब कुछ तो हम पे ध्यान दिया, कुछ तो होगी बात, तभी ध्यान दिया, सो इग्नोर करते हैं उसे। लेकिन हाँ, आपका क्वेश्चन था तो मैंने वो क्वेश्चन हटाया नहीं, पहले हम सोच रहे थे रहने देते हैं, लेकिन आपका सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेंगे। फोन आया, लेना। उसके बाद जो अगला है हमारा क्वेश्चन, आप अब रिप्लाई करोगे रोस्ट का? तो भाई इसका जवाब हमने दे ही दिया है कि अगर रिप्लाई करना होगा हमें किसी को, हमें लगेगा किसे करना चाहिए, तो कर देंगे। अदरवाइज हमारा किसी का कोई मन नहीं, हम एक बंदे पे तो बैठेंगे कोई नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट कुछ और है, हमने बहुत आगे देखना, आगे का चलना है। और आप लोगों को एंटरटेनमेंट इंस्टाग्राम पे एज कॉमेडी देते हैं, और यहाँ पे हम अपनी लाइफस्टाइल की स्टोरी बताते रहते हैं ऑलवेज। और रूप से ज़्यादा प्यार करते हो या मानसी से? इन्हीं से ही पूछ लो ये तो आप। इक्वल दोनों को। हाँ, जितना प्यार ही मेरे से करते हो उतना ही उससे करते हैं, कोई फर्क नहीं है किसी भी चीज़ में, ना ही प्यार तो में ना ही। हमारा अगर मैं डिफरेंस करने लग जाऊँगा, फ़र्क करने लग जाऊँगा, तो फिर मुझे ये नहीं लगता मुझे दो शादियाँ करनी नहीं चाहिए थी पहले। सेकंड बात ये है कि अगर मैं फ़र्क करूँगा, डिफरेंस करूँगा, तो ऑलवेज घर में शांति का माहौल नहीं रहेगा, झगड़ा होता रहेगा, तो झगड़े के कारण परेशानियाँ बढ़ती रहेंगी। और जो लोग हम पे हंसते हैं कि और करवा दो शादियाँ, होगी दो शादियाँ लग गया तेरे को पता ये होगा, तो उनको हम उसका हादसा जो हमारे पे हंसते हैं जलते हैं और बढ़ जाएगा, तो हमने वो चीज़ नहीं करनी है। तो मैं इसलिए इन दोनों को बराबर, इस कारण भी बराबर प्यार करता हूँ, इक्वल प्यार करता हूँ। और वैसे भी मुझे दोनों से ही प्यार है, सो कम ज़्यादा प्यार नहीं होता, प्यार अगर है तो बराबर प्रॉपर ही होता है। और मानसी का दिल लग जाता है जब आप कहीं बाहर जाते हो रूप के साथ या नहीं? हाँ, हम दोनों एक्चुअल में, अगर हम दोनों अकेले हों तो हम दोनों ज़्यादा खुश रहते हैं, और वैसे भी हम दोनों ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये तो ऑलवेज बिजी रहते हैं काम में, तो मैं और रूप ही होते हैं दोनों। क्वेश्चन नहीं समझी उन्होंने, तो यही क्वेश्चन है, समझ गई, तू नहीं समझी। हाँ,
दिमाग हम दोनों का आपस में समझती हूं, अच्छी बॉन्डिंग है हम दोनों का, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मन लगता है, इनसे ज्यादा लगता है। अच्छा हाँ सीरियसली में क्यों मैं तुम लोगों को क्या करता हूँ? दंदियाँ नहीं मारते मेरे को पता ही बोलने वाले थे। दंदियाँ दंदियाँ नहीं मार, दंदियाँ क्या होता है? वो ऐसे है चक्की। तो सेम क्वेश्चन आपके लिए भी है कि जब मैं कहीं बाहर होता हूँ तो मानसी के साथ आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो, कैसे आपका दिल लगता है, क्या एक्टिविटीज करते हो मेरे पीछे? एक्टिविटी नंबर वन चुगली, नंबर टू दोनों का सोना, नंबर थ्री हम फोन देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, ठीक है हाँ ये हमें सीरियल नहीं देखने देते जब साथ में हो। और नंबर फोर आराध्या के साथ मस्ती करना, जब ये होते हैं मतलब ये होते हैं ना कि ये ना एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग के टाइम पे ज़्यादा शोर नहीं डालने देते, तो जब ये जाते हैं ना हम पीछे से पूरा शोर डालते हैं पूरा अच्छे से। ज़्यादातर तो जब मैं जाता हूँ तो दो चीज़ें तो मुझे पता है, एक सीरियल देखना, मैं सीरियल इसलिए नहीं देखने देता कि मैं व्लॉग देख लिया करो थोड़ा सा बोलने का नॉलेज हो जाएगी, या और भी बहुत, या फिर ये सोए रहेंगे और सोते ही रहेंगे, अब मैं रात को आऊँगा तो फिर रात को सोते नहीं जागते रहेंगे, तो ये दो काम करते हैं और दोनों मुझे पसंद नहीं। यार हम टीवी पे अपडेट रहते हैं हर टाइम पे सीरियल में, ये क्या बोला हर बात देखते रहना, मतलब सीरियल कि आज का मतलब छोड़ते नहीं है ना, पूरा ए टू डी पूरा सीरियल देखते हैं ना। चलो गाइस आप शायद समझ गए होंगे तो ठीक है, बहुत सी बातें अब मैं ऐसे ही दिन की, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है समझ गया, ओके ओके ऐसे हो जाता है, आप भी अब कर देना यार। हमें कमेंट करते हैं लोग कि ये अनपढ़ लोग कहाँ से यूट्यूब पे आ गए, तो हाँ इसका भी हम जवाब ज़रूर देना देंगे। तो मैं ये इसका जवाब, यूट्यूब पे कहाँ लिखा है कि एक यूट्यूबर बनने के लिए इतनी पढ़ाई और इतनी डिग्री चाहिए? और सेकेंडली बात दे दूँ कि ये अनपढ़, तो मुझे लगता हम तो ये दोनों ने इनकी डिग्री कम्प्लीट हो चुकी है और मेरी चल रही है, तो वैसे बता दूँ इन्होंने कंप्यूटर CSE में BTech कर रखी है, आपने इलेक्ट्रिकल में BTech कर रखी है, और मेरी लॉ की स्टडी चल रही है। तो जिनको अनपढ़ लगते हैं उनके लिए ठीक है जो लगता है, लेकिन यूट्यूब पे मैं किसी और जिसने स्टडी कम कर रखी है लेकिन उसमें कोई अगर टैलेंट है तो उसको डीमोटिवेट नहीं करूंगा भाई, अगर किसी में कोई टैलेंट है तो यूट्यूब कभी भी आपकी स्टडी की डिग्री नहीं मांगता। यूट्यूब क्या किसी भी जगह अगर आप चले जाओगे ना तो आजकल डिग्री क्या है, बस टैलेंट होना चाहिए आपके पास, अगर आप लोगों के पास टैलेंट है ना तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। बहुत पढ़े लिखे भी हम लोग देखते हैं कि नहीं करते, बैठे रहते हैं फ्री, मतलब नहीं पता क्या होता है, जो ज्यादा स्टडी कर कम स्टडी वाले मैं देखा यूट्यूब पे उल्टे ज्यादा ही कामयाब हो रखे हैं। और मैं ये भी नोट करता हूँ कि जितने अपना देश है ना, जो उसमें कहते मैं मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं बेरोजगारी बहुत है, लेकिन रीज़न ही यही है, जो लोग ज़्यादा पढ़ चुके हैं और उनको काम भी अब अच्छा चाहिए। हाँ। जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं ना तो उनको कोई भी काम दे दो वो कर लेंगे, तो इसी कारण वो यूट्यूब पे भी आते हैं, कुछ भी करते करते वो बड़े लेवल पे बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन जो डिग्री हाई लेवल पे करके बैठे वो वेट कर रहे होते हैं कि मुझे वो जॉब मिलेगी, तो फिर सरकार को कोसना खुद को, तो मुझे लगता है कभी कभार अंबानी कितना पढ़ा है मुझे नहीं पता यार चीजों का, वो आप YouTube पे सर्च कर लेना, मैंने नहीं कर रहा, मतलब वो भी कहाँ है यार, कम पढ़े लिखे भी बहुत बड़े बड़े मतलब वो कर रहे हैं। अभी जो आगे का क्वेश्चन है, आप लोगों ने पूछा है कि पुलिस का क्या फंडा हो गया था, जो आपने अपनी वीडियो में बताया पुलिस का फंडा क्या हुआ था, यार वो ऐसा हो गया था कि हमारे जो कुछ रिलेटिव हैं या कुछ है, उन्होंने उल्टे सीधे केस डलवा दिए थे कि शायद ये दूसरी लड़की को भगा कर किडनैप करके लाया है, वो मर्जी से नहीं रह रही है, जबरदस्ती रखा हुआ है, फलाना ढमकाना, ये रिश्तेदार करते हैं ना, हम इसके घर वाले ना मेरे घर वाले ना इसके, ये नहीं, जो रिलेटिव होते हैं ना वो फंसा देते हैं कि किडनैप करके रखा हुआ, किडनैप करके, तो उसके चक्कर में मुझे उठाकर ले गए थे कि तूने किडनैपिंग की है, फिर इससे पूछा गया ये किया गया वो किया गया, तो इसने कहा कि मर्जी से रह रहे हैं और ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो सॉल्व हो गया, तो बस ये था पुलिस का मैटर। तो आगे का जो क्वेश्चन, वैसे हमने इतने ही कमेंट लिए थे, उसके अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है तो लोगों के लिए एक कमेंट भी आ रखे, आप कहाँ रह रहे हो, कहाँ से हो, हम चंडीगढ़ से हैं भाई बेसिकली, तो ठीक है, तो उसके बाद और भी अगर कोई क्वेश्चन पूछने चाहते हैं हमसे इस रिलेटेड, हमारी शादी के रिलेटेड, हमारी लाइफ स्टाइल के रिलेटेड, तो आप कमेंट कर दें नीचे, और बहुत सारे व्लॉग हमारे जो पेंडिंग है आ रहे हैं, सो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।